येशु से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, इस सत्संग में हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, वचन को सुनेंगे और आराधना में भाग लेंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं, आप संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से इस सत्संग में भाग लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। बाइबल कहती है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें, हम भजन गाते हुए उसके पास जाएं। तो जैसे ही हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं और इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, आइए हम प्रभु का भजन गाएं, उनकी स्तुति करें और आराधना करें। आपा की जय, आपा की गाइए, आपा की जय, आपा की, आपा की जय, आपा की, आपा की जय, आपा की, आपा की जय, आपा की गाइए। बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 अब्बा की, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 अब्बा की, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 अब्बा की, बोलो जय जय जय, सब लोग तालियां बजा के, यीशु की जय, यीशु की, यीशु की जय, यीशु की, यीशु की जय, यीशु की, यीशु की जय, यीशु की गाइए, यीशु की जय, यीशु की, यीशु की जय, यीशु की, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की, बोलो जय जय जय, बोलिए जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की, आत्मा की जय, आत्मा की, आत्मा की जय, आत्मा की गाइए, आत्मा की जय, आत्मा की, 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 आत्मा की जय,
जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 आत्मा की, बोलो जय जय जय, सब लोग मिलकर तालियां बजाते हुए बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 आत्मा की, त्रित्व की जय, त्रित्व की, त्रित्व की जय, त्रित्व की, जय त्रित्व की, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 त्रित्व की, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 त्रित्व, गाते जाइए बोलो जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 त्रित्व, और गाइए बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 त्रित्व की, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 त्रित्व की, हाथ उठा के बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 त्रित्व, सारे हृदय से बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 त्रित्व, आनंद मनाते हुए जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 त्रित्व की, येसु की जय, येसु की, येसु की जय, येसु की, गाइए बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की, गाइए बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की, हालेलुया 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 गाइए हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो बार 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 जाते जाएंगे बोलो हालेलुया बोलो
हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा तेरी आराधना हालेलुया 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 अपने दोनों हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान हालेलुया 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 तेरी स्तुति हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया 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 तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी महिमा हालेलुया हालेलुया अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है कितना अच्छा है उसकी स्तुति करना उसकी स्तुति करना कितना सुखद है कितना सुखद है हालेलुया 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 धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते प्रभु का गीत गाओ प्रभु का गीत गाओ सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ हालेलुया हालेलुया बोलिए हालेलुया हालेलुया स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो प्रभु की स्तुति करो आकाश में प्रभु की स्तुति करो प्रभु की स्तुति करो प्रभु के सब दूतों प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो उसकी स्तुति करो समस्त विश्व मंडल उसकी स्तुति करो उसकी स्तुति करो हालेलुया 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 सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो उसकी स्तुति करो आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो उसकी स्तुति करो हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया हम सभी इस समय अपने हाथों को उठाएंगे और ऊंचे स्वर से प्रभु की आराधना और स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 स्तुति करते जाइए स्तुति करते जाइए आत्मा
घर में आत्मा मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है इस घर में आत्मा मेरा दिल तेरा घर है इस घर में आत्मा घर है इस घर में आत्मा मेरा दिल तेरा घर है तेरा घर इस घर में आत्मा तड़पता हूँ मैं तेरे लिए घर में आत्मा गाइए मेरा दिल तेरा घर है तेरा घर इस घर में आत्मा ओ मेरा दिल तेरा घर है इस घर में आत्मा सब लोग मेरा तेरा घर है मेरा दिल तेरा घर है इस घर में आत्मा मेरा दिल तेरा घर है तेरा घर है इस घर में आत्मा मेरा दिल तेरा घर है तेरा घर इस घर में आत्मा आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए,
अपने हथेलियों को खुला छोड़िए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, पुनर्जीवित यीशु आपके पास है। प्रभु अपने पवित्र वचन के अनुसार आपके करीब है। प्रभु ने कहा, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आपके साथ रहने वाले प्रभु यीशु की समय अनुपस्थिति, प्रभु ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। आपके परिवार में, आपके समुदाय में, जहां पर आप इस पवित्र सभा में भाग लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, प्रभु यीशु विराजमान है। अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखिए, अपनी चिंताओं को, अपनी पीड़ाओं को, पारिवारिक समस्याओं को, एक एक बात यीशु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को, परिवार की समस्याओं को, अपने आप को और अपने व्यक्तिगत समस्याओं को तेरे सामने रखता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे जाने बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। मेरे हृदय की एक एक बात को तू जानता है यीशु। मैं तुझसे क्या छिपाऊं, मुझसे ज्यादा तू मुझे जानता है। तू मेरे परिवार को जानता है यीशु। मैं तेरे सामने इस संपूर्ण परिवार को और अपने आप को समर्पित करता हूं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के वचनों को सुनने के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को इस समय प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरे बंधनों को खोलिए, मेरे मन को स्वच्छ कीजिए, मेरे मन को एकाग्र कीजिए, ताकि मैं तेरी बातों को सुन सकूं, तेरी प्रेरणाओं को सुन सकूं। आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में, आइए, आइए पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में, आइए, आइए पवित्र आत्मा हमारे समुदाय में, आइए, आइए पवित्र आत्मा हमारे इस परिवार में, आइए, हमें एकाग्र कीजिए, हमें एकमत कीजिए तेरे पवित्र वचनों से, हमें समय ओतप्रोत करने के लिए, तेरे चमत्कार और चिन्ह हमारे बीच में प्रकट करने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए, सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रवचन शुरू करने से पहले मैं आज के परिवेश के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि कोरोना एक कहानी और अफवाह नहीं है, यह एक हकीकत है, एक सच्चाई है। विशेष करके गांव में रहने वाले हमारे भाई बहन विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक सच्चाई है। आज प्रतिदिन हमारे देश में कम से कम 30,000 कोरोना के पॉजिटिव केस पकड़े जाते हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि हमारे देश में मरने वालों की संख्या कम है, प्रभु को धन्यवाद देंगे। उसके लिए मुख्य कारण यह है कि हमारी जनता में इम्यूनिटी ज़्यादा है, यानी प्रतिरोध शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग कठिन परिस्थितियों में जीते हैं, कठोर जीवन जीते हैं, और हमें कई कीटाणु और सूक्ष्माणुओं से लड़ने की आदत हो गई है, इसलिए मरने वालों की संख्या कम है। कई लोग सोचते हैं कि यह सच्चाई नहीं है, एक सच्चाई है। दूसरी बात यह है, कई लोग सोचते हैं प्रभु हमें बचा लेंगे, हमें कोरोना से कोई डर नहीं है। मुझे भी डर नहीं है, हमें कोरोना से डर नहीं है, लेकिन इस बात को जानना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह एक महामारी है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप क्या बात करते हैं, हमारे देश में इतने हजार लोग कैंसर से मरते हैं। कैंसर महामारी नहीं है, फैलने वाली चीज नहीं है, लेकिन कोरोना एक महामारी है, फैलने वाली चीज है। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इस फैलने वाली चीज के फैलाव और प्रसारण को रोकना चाहिए। अभी 3 दिन पहले एक बहन ने मुझे फोन करके कहा, बरेली आसपास से
कहा कि मेरे पति को कोरोना पॉजिटिव हो गया, हम सभी लोग सील किए गए हैं, हम लोगों का भी टेस्ट हुआ, हम में से 3 जन को कोरोना पॉजिटिव हो गया, हमें लगता पूरा परिवार कोरोना से परेशान होंगे। बात मृत्यु की नहीं है, बात परेशानी की है, फैलने की है। हमारा आश्रम खुला हुआ है, लोग आते हैं, हाथ पैर धोकर अच्छी तरह से सफाई करने के बाद दर्शन भवन में जाके बैठते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम भी नियम का पालन करते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि आप लोगों के अंदर हिम्मत की कमी है। देखिए, हिम्मत ही काफी नहीं है, जीवन में सफलता के लिए हिम्मत ही काफी नहीं है, जीवन में सफलता के लिए हिम्मत के साथ साथ बुद्धि और विवेक की भी जरूरत होती है। वास्तव में जिनके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत होती है बहुत ज्यादा गलतियां कर बैठते हैं और जिंदगी भर पछताते रहते हैं, लेकिन हिम्मत के साथ साथ हमारे अंदर बुद्धि भी होनी चाहिए जो मानुषिक है, और विवेक होना चाहिए जो ईश्वरीय है। इन तीनों का इस्तेमाल होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सरकार ने, प्रशासन ने जो जो बातें हमें समझाई हैं उसका अनुपालन कीजिए, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचने लगते हैं, नकारात्मक विचार मन में लगते हैं, ये सोचने लगते हैं कि दुनिया का अंत तो नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे भी बड़ी बड़ी विपत्तियां हमारे संसार में आ चुकी हैं। 1919 में स्पैनिश फ्लू आया था सारे संसार में, उसमें कहा जाता है 2 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे 1919 में, ज्यादा दूर नहीं है, 100 साल पहले। 1957 में एक दूसरी महामारी आई थी जिसमें कम से कम 20 लाख लोग मर गए थे संसार भर में। कहा जाता है 14वीं सदी में एक महामारी इसी तरह आई थी, 75 लाख लोग उस समय मरे थे। तो मानव इतिहास ने ऐसे कई अनुभवों का अनुभव किया है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। प्रभु येसु ने हमें सिखाया है, वॉच एंड प्रे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वास्तव में वॉच का हिंदी अनुवाद जागते रहना ही नहीं है, सतर्क रहना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके अंदर डर ना हो, लेकिन साथ ही साथ आप इस महामारी को फैलने से रोकने में एक दूसरे की मदद करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इन संकट के क्षणों में भी प्रभु हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन का प्रबंध किया है। वास्तव में ये चमत्कार है। जब हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, उतनी ही मात्रा में प्रभु हमारे लिए अनुग्रह के माध्यम बनाए हैं। मैंने आपसे पिछली बार कहा कि इन दिनों प्रभु आज की परिस्थितियों के अनुसार हमें वचन देते हैं। आज भी प्रभु ने एक ऐसा वचन दिया है। हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों में कोई ज्यादा परिवर्तन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं, और मेरा पक्का विश्वास है कि आपके सहनशीलता की परीक्षा हो रही है। जब दुख बना रहता है काफी समय तक, तब हमारा धैर्य टूटने लगता है, हमारी सहनशीलता टूटने लगती है। ऐसे में प्रभु हमें एक बहुत सुंदर वचन देते हैं। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 9 में प्रभु कहते हैं, दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। दृढ़ बने रहो। और लूकस के सुसमाचार की अध्याय 21 उसके वाक्य 19 में प्रभु येसु कहते हैं, तुम अपने धैर्य के द्वारा अपने आत्माओं को बचाओगे। ये धैर्य का क्या मतलब होता है? सहनशीलता, सहनशीलता। प्रभु येसु कहते हैं, तुम्हारी सहनशीलता के द्वारा तुम अपनी आत्माओं को बचाओगे। तो हम आज सहनशीलता के बारे में मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले अपने दुखों को सहने की शक्ति,
अपने रोगों को, अपनी पीड़ाओं को, अपने दर्द को, अपने परिवार की समस्याओं को सहने की शक्ति। कुछ लोगों में अपने दुखों को सहने की आंतरिक शक्ति बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर बहुत सहनशीलता है। प्रभु येसु एक महान उदाहरण है इसके लिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु येसु अपने शब्दों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किए, ईश्वर के राज्य का प्रचार किए, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अपने दुखभोग के दौरान प्रभु येसु पूरी तरह से मौन रहे। अक्सर मैं प्रभु से पूछा करता हूं कि प्रभु तू इस तरह कैसे मौन रह पाया। प्रभु येसु अपने दुखभोग के दौरान यातनाएं सहते समय पूरी तरह से मौन रहे, और उनका मौन हम विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। लेकिन सबके पास ये सहनशीलता नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास सहनशीलता टूट जाती है। जब दुख ज्यादा हो जाता है उनकी सहनशीलता टूट जाती है। जब सहनशीलता टूट जाती है तो उनके जीवन में क्या होता है? सबसे पहले निराशा उनके चारों ओर मंडराने लगती है और धीरे धीरे निराशा उनको खा जाती है। और निराशा में आकर वे क्या क्या नहीं करते हैं, वे गलत सोच रखते हैं, चोरी करने को सोचते हैं, अपने को समाप्त करने को सोचते हैं। बहुत खतरनाक होता है। मैंने कई बार आपसे कहा निराशा बहुत खतरनाक है। दूसरा परिणाम है कि उनका विश्वास डगमगाने लगता है। कुछ लोग नास्तिक बन जाते हैं। जिस ईश्वर पर वे भरोसा रखते थे, उनके वचनों को पढ़ते थे, उनके साथ प्रार्थनाएं करते थे, उनके साथ संगति रखते थे, वे लोग ईश्वर को छोड़ देते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। तीसरा परिणाम, कुछ लोग अपने विश्वास में भटकने लगते हैं। जीवित परमेश्वर जिन पर वे विश्वास करते आए हैं उनका विश्वास डगमगाने लगता है, वो भटकने लगते हैं। हमें निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 32 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 1 से। इसराइली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर अपने देश की ओर जा रही थी और वे मरु प्रदेश से गुजर रहे थे, और उस समय मूसा उनको छोड़कर सीनाई पर्वत पर प्रार्थना के लिए गए, उपवास और प्रार्थना के लिए गए, 40 दिन वहां रहे और मूसा से ईश्वर वार्तालाप कर रहा था। यहां बीच में लोगों ने क्या देखा कि मूसा पहाड़ पर रह गया है। वे मूसा और हारून के विरुद्ध विद्रोह करने लगे, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए देव मूर्ति बनाओ, हम उसकी आराधना करना चाहते हैं। हमारे लिए देव मूर्ति बनाओ क्योंकि हम उसकी आराधना करना चाहते हैं। और हैरान होकर हारून ने उनके लिए सोने का बछड़ा बनवाया और वे उसकी आराधना करने लगे। जब मूसा पहाड़ पर से उतर के आ रहा था प्रभु के नियमों की 2 पाटियां लेकर, तो मूसा ने क्या देखा कि जनता के बीच में मूर्ति पूजा चल रही है, वे देव मूर्तियों की आराधना कर रहे हैं। मूसा ने उन नियमों की 2 पाटियों को जमीन पर पटक दिया। जब मूसा पहाड़ पर रह गया जनता घबरा गई और वे देव मूर्तियों की आराधना करने लगी। आज भी होता है ना, जीवन में दुख पीड़ाएं आ जाती हैं, परेशानी आ जाती हैं, लोग घबरा जाते हैं। अच्छे से अच्छे विश्वासी घबरा जाते हैं, उनका विश्वास डगमगाने लगता है, वे भटकने लगते हैं, अंधविश्वास में चले जाते हैं, ओझा सोखा के पास चले जाते हैं, जादू मंत्र करने जाते हैं, देव मूर्तियों की पूजा करने जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गणना ग्रंथ की अध्याय 21 में पढ़ते हैं। गणना ग्रंथ की अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं कि इसराइली जनता मरु प्रदेश से गुजरते चलते यात्रा करते करते थक गए। वचन में लिखा हुआ है उनका धैर्य टूट गया, उनका धैर्य टूट गया और वे ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं, भुनभुनाने लगते हैं। मूसा से कहते हैं कि तुम हमको मिस्र देश की गुलामी से बचा के तो ले आए हो, लेकिन वहां तो हमें खाने को मिलता था, वहां पे रोटियां मिलती थी, वहां पे खाने के लिए मांस मिलता था, मछली मिलती थी, यहां तो हम भूखों मर रहे हैं और रोज हमें मन्ना खाना पड़ता है। उस परमेश्वर की आराधना करने के बजाय, उसको धन्यवाद देने के बजाय जिसने उनको गुलामी से बचा के लिए आया, यहां पर जनता उसके विरुद्ध भुनभुनाने लगती है, मूसा को कोसने लगती है,
ईश्वर ने उनके बीच में सर्प भेजा और सर्प ने उनको काट दिया, कई लोग मर गए। हमारे बीच में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? जीवन में परेशानी आती है, दुख आ जाते हैं, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, हम टूट जाते हैं, हम विह्वल हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं, हम लड़ने लगते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 से पढ़ेंगे। गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि मूसा और उनके साथ चलने वाले हारून और मिरियम मूसा के खिलाफ हो गए। देखिए दुख में क्या हो जाता है, नेतृत्व में भी विभाजन आ जाता है। हारून और मिरियम उनके बीच भुनभुनाने लगे और कहने लगे, क्या ईश्वर मूसा को ही दिखाई दिया? क्या ईश्वर हमसे वार्तालाप नहीं करता है? इस तरह मूसा के विरुद्ध ये लोग आपस में चर्चा करने लगे। हम पढ़ते हैं मिरियम को प्रभु ने कोढ़ का रोग दिया, वो कोढ़ी बन गई। जब परिवार में समस्याएं आती हैं, दुख आ जाता है, जब हम सह नहीं पाते, हमारी सहनशीलता टूटने लगती है, तो क्या हमारे बीच में भी ऐसा नहीं होता है? एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है, तेरे कारण ऐसा हुआ, आपके कारण ऐसा हुआ। उस प्रभु पर भरोसा रखने के बजाय, एकजुट होकर उससे प्रार्थना करने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। तो जीवन में जब संकट आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती हैं, हमारी सहनशीलता टूटने लगती है, तो हम बदल जाते हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परिस्थिति से मत लड़िए, हकीकत को स्वीकार कीजिए, हकीकत को स्वीकार कीजिए, वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। कई लोग वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारे यहां पर एक बहन आती है, कई दिनों से आ रही है, अभी भी वो रोज रोती है। इस रोने का क्या कारण है? वो कुछ वास्तविकताओं को आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारे मन में हमेशा सवाल रहता, ऐसा क्यों है प्रभु ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? हमें वास्तविकताओं को स्वीकार करना है, अपने पेट के दर्द को स्वीकार करना है, अपने हृदय के रोग को स्वीकार करना है, अपने शरीर के रोग को स्वीकार करना है। जब आप स्वीकार करेंगे, आपका आधा दुख समाप्त हो गया। मैं आपके सामने हड़का कर बोल रहा हूं, मैं एक रोगी हूं, लेकिन मैंने अपने रोग को स्वीकार कर लिया है। शारीरिक चिन्ह जरूर हैं, लक्षण जरूर हैं, लेकिन मानसिक रूप से मैं दुखी नहीं हूं। विशेष करके आज की तंगी के समय, आज की समस्याओं के समय आपको स्वीकार करना है। ये नहीं कहना है कि हमको अपनी पसंद का खाना नहीं मिलता है, कोई जरूरत नहीं है। अपने पसंद का कपड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं परेशान हूं, कोई जरूरत नहीं है। संत पौलुस कहते हैं कि मुझे प्रचुरता में जीने और तंगी में जीने की भी आदत है। हम सभी मनुष्यों को प्रचुरता में जीने और तंगी में जीने की भी आदत होनी चाहिए। हम जो चाहते हैं वो सब आज प्राप्त नहीं है, कोई बात नहीं है, संतुष्ट है। जो प्राप्त है उससे संतुष्ट, आधा दुख समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें परिस्थिति से लड़ना नहीं है, परिस्थिति को स्वीकार करना है, परिस्थिति को स्वीकार करना है, अपने जीवन की हकीकतों को स्वीकार करना है। आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 28 में। रोमियो का पत्र अध्याय 8 उसके वाक्य 28 में, हिंदी में उसका अनुवाद मुझे पसंद नहीं है, अंग्रेजी में अनुवाद है, एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हू लव गॉड। यानी जो परमेश्वर के विधान के अनुसार बुलाए गए हैं और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है, उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। अब बताइए, अभी इतने दिन का लॉकडाउन है, कोरोना की समस्या है, काफी नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ, अन्य नुकसान हुआ है, लेकिन इसके द्वारा भलाई हुई है कि नहीं? बहुत भलाई हुई है।
बहुत भलाई हुई। आजकल मैं देखता हूं कि हजारों विश्वासी इन दिनों प्रभु के साथ और गहराई से जुड़ गए हैं। आज ही मुझे एक टेलीफोन कॉल मिला था, काफी दूर से एक बहन ने फोन करके कहा कि फादर जी मैं आपको बता नहीं सकती हूं, हम आपके कार्यक्रमों को लगातार देखते रहते हैं, विशेष करके प्रतिदिन की रोज की रोटी को देखते हैं, हमारा पूरा समुदाय देखता है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया मैं बता नहीं सकती हूं, मैं रो पड़ती हूं। आज सुबह एक गांव से एक बहन ने फोन करके कहा कि आप जानते हैं हमारे गांव की औरतें रोज की रोटी कार्यक्रम भी देखने के लिए आती हैं, सबके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, प्रतिदिन वचन के साथ जीने के लिए इंसान सीख रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान आश्रम में भी गतिविधियां बढ़ गई हैं, यूट्यूब के जरिए कई कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, हजारों लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। तो रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28 में संत पौलुस कहते हैं जो प्रभु से परमेश्वर से प्यार करता है सब कुछ उसके लिए भलाई में परिवर्तित हो जाता है। बोलिए हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 50 उसके वाक्य 20 में बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। आप जानते हैं, कई बार आपने सुना है, याकूब के बेटों ने अपने भाई यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए मिस्रियों के हाथों बेच डाला और वो मिस्र का गवर्नर बन जाता है। और अंत में आप जानते हैं उस मिस्र में अपने भाइयों और अपने पिता को बुलवाते हैं और उनको सम्मान पूर्वक रखते हैं। अब उनका पिता याकूब मर जाता है, उसके बाद उनके भाई लोग घबरा गए, अब हमारे भाई हमारे विरुद्ध कुछ कर सकता है। मालूम क्या पढ़ने को मिलता है, वहां भी लिखा हुआ वाक्य 20 में, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया। आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया। और विश्वासी को विश्वास करना है कि आज मैं जो अनुभव कर रहा हूं, जो दुख का अनुभव कर रहा हूं, ये मुझे प्रेम करने वाला परमेश्वर भलाई में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अच्छे अच्छे वचनों को उठाएंगे, बाइबल के विश्वासवर्धक वचनों को उठाएंगे और आप उसको दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। इसयास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 43 को उठाएंगे, इसयास नबी अध्याय 43, वहां पे प्रभु क्या कहते हैं, अध्याय 43 वाक्य 1-2 में प्रभु कहते हैं नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जल धाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं चलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। ऐसे पवित्र वचनों को लेकर बार बार दोहराना ताकि आपका विश्वास और आपकी सहनशीलता बनी रहे। इसयास नबी अध्याय 41 उसके वाक्य 10 में, इसयास अध्याय 41 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। आगे वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। विश्वासवर्धक वचनों को उठाना और उसको बार बार दोहराना। अध्याय 46 में हम क्या पढ़ते हैं, उसके वाक्य 3 और 4 में प्रभु कहते हैं मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं वही करता रहूंगा, मैं तुम्हारी देखरेख करूंगा, तुमको संभालूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, इस तरह विश्वासवर्धक वचनों को उठाना है ताकि आपकी सहनशीलता बढ़ जाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सहनशीलता का दूसरा मतलब है एक दूसरे को सहन करने की शक्ति। संत पौलुस कहते हैं कुलोसियों के पत्र के अध्याय 3:13 में, आप एक दूसरे को सहन करें, आप एक दूसरे को सहन करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब लॉकडाउन हुआ था उस समय मैंने आपसे कहा कि हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस लॉकडाउन के लिए, क्योंकि इसके द्वारा परिवार एक हो गए हैं। पति के पास पत्नी के लिए, पत्नी के पास पति के लिए, बच्चों के पास माँ बाप के लिए, माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय है। लेकिन जो ही समय बीतता जा रहा है और सभी लोग एक साथ घर पर रह रहे हैं, पति काम करने नहीं जा पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, हमें लगता है कि साहस टूटता जा रहा है, लोगों के अंदर सहनशीलता समाप्त होती जा रही है, खटपट बढ़ रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं। आज इस दुनिया में कितने ही परिवार सहनशीलता के अभाव में टूट जाते हैं, कितने ही परिवार सहनशीलता के अभाव में टूट जाते हैं। पति के पास पत्नी को सहने की शक्ति नहीं है, पत्नी की दुर्बलताओं को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, पत्नी के पास पति की दुर्बलताओं को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, वे एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। कितने ही परिवार टूट गए हैं, कितने ही विवाह टूट गए हैं, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। केवल सहनशीलता के अभाव में हजारों परिवार और विवाह टूट गए हैं। 2 साल पहले आश्रम में एक जवान दंपति आए। उस जवान लड़के को मैं कई वर्षों से जानता हूं, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, बैंक में काम करता है, शादी हुई, ऐसा लग रहा था कि मेड फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, बहुत सुंदर देखने के लिए, हर मामले में बहुत अच्छे। लड़की ने मुझसे कहा कि हम लोगों ने तय किया कि हम लोग तलाक देंगे। मैंने पूछा क्यों, ईसाई हैं, विश्वासी हैं, मैंने पूछा क्यों, क्या कारण है, कोई कारण, क्या ये दूसरी लड़कियों के साथ जाता है, नहीं, शराब पीता है, नहीं, दूसरा नशा खाता है, नहीं, पैसा बर्बाद करता है, नहीं, तो क्या कारण है बताओ, तुम लोग तलाक की बात करते हो, क्या कारण है। उसने कहा कि हमें लगता है कि हम इसके साथ जी नहीं पाएंगे। क्यों, उसने कहा पूछिए ये क्या करते हैं। बैंक से आते हैं, आते ही एक जूता इस तरफ, दूसरा जूता उस तरफ, एक मोजा इस तरफ, दूसरा मोजा उस तरफ, कमीज उधर, पैंट उधर, क्या मैं उसकी नौकरानी हूं, उसको बटोरने जाऊं। तो मैंने पूछा बेटा ऐसे क्यों करते हो, क्या करें फादर जी, बचपन में आदत पड़ गई, स्कूल से आता था ऐसे ही करता था, मम्मी बटोर लेती थी, जब मैं बड़ा हो गया घर पे नौकरानी आ गई वो बटोर लेती थी। मैंने कहा तुमको सीखना है ना, बैंक में काम करना आता है, इतना काम करना नहीं आता है। जानते हैं कितने ही परिवार एक व्यक्ति के सहनशीलता से बच सकते हैं, एक व्यक्ति की सहनशीलता। पति शराबी है, पति की आदत खराब है, लेकिन अगर एक व्यक्ति यानी पत्नी सहनशील है, उसकी सहनशीलता के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा वो परिवार बच सकता है। एक व्यक्ति की सहनशीलता, इस बात का ख्याल कीजिए, यह आध्यात्मिक बात है कि रोमी अध्याय 5:12 में लिखा हुआ है कि एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया, उसी तरह एक ही व्यक्ति के द्वारा शैतान भी हमारे परिवार में आएगा। हर रोज किसी न किसी को शैतान अपना एजेंट बनाएगा। एक दिन हो सकता है कि पति चिल्लाने लगता है, दूसरे दिन हो सकता है पत्नी चिल्लाने लगती है, तीसरे दिन हो सकता है कि बच्चे चिल्लाने लगते हैं। एक न एक व्यक्ति के जरिए शैतान हमारे परिवार में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। इस बात को जानना जरूरी है, इस बात को जानना जरूरी है।
एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एसी कंपार्टमेंट था, हमारे सामने 2-3 सीट खाली पड़े थे। अचानक एक रेलवे स्टेशन आया, वहाँ से एक परिवार चढ़ गया। एक भाईजान अपने एक बच्चे के साथ अंदर आके बैठ गए। उसके बाद उसकी पत्नी 2 बच्चों को लेकर आ रही थी, सामान भी लेकर आ रही थी। शायद घर से झगड़ा शुरू हो गया था, रेलवे स्टेशन में भी झगड़ा जारी था, और वो पत्नी भूल गई कि मैं ट्रेन के अंदर हूँ। वो बोलती जा रही थी, तुम्हारे पापा ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर समझता है, ऐसे फटकारती जा रही थी। हम सामने बैठे हुए सब लोगों ने अपना सिर झुकाया। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा वो भाईजान, उसने क्या किया, बच्चे को अपने पास में बिठाया, उसके बाद तुरंत एक अखबार उठा लिया और उसको देख रहा था, उसको पढ़ रहा था, मानो अभिनय कर रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, वास्तव में वो पढ़ नहीं रहा था, वो शांत कर रहा था अपने आप को। कितना समझदार इंसान है। परिवार में एक व्यक्ति जब झगड़ता है, दूसरा व्यक्ति शांत हो जाता है। शैतान को बांध पाते हैं आप शैतान को बांध देंगे। अपनी सहनशीलता के द्वारा आप शैतान के काम को बंद कर देंगे। शायद आपने सुना होगा पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी के बारे में। हमारे मित्र थे, गुजर गए कुछ वर्ष पहले, रहने वाले अजमेर के पास पुष्कर नगर से, और पुष्कर मंदिरों का शहर है और वहाँ पे ढेर सारे मंदिर हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर, उस मंदिर के मुख्य पुजारी पुरोहित का एकमात्र बेटा था पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। बहुत धनी परिवार, और उनका पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ रहते थे। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा युवावस्था में ही काफ़ी पढ़े, उसके बाद ज़्यादा उनको फिल्म में रुचि थी और उसकी स्टडी करने के लिए वो रूस गए थे, इत्यादि इत्यादि। जब ये युवा थे, उनका मन एक ईसाई लड़की पर लगा और उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे सपने में भी वो लड़की दिखाई देती थी। और उन्होंने अपने माँ बाप की इच्छा के खिलाफ, एकमात्र बेटा था, जानिएगा उस जमाने में एक ब्राह्मण था और बहुत बड़े घराने का, उन्होंने उस लड़की के साथ विवाह किया, शादी की और उसको घर ले आया। जब उन्होंने शादी की उससे, उससे कहा कि देख, मैंने तुम्हारे धर्म से शादी नहीं की, मैंने तुमसे शादी की, इसीलिए कभी भी तुम अपने धर्म के बारे में नहीं बताना। लेकिन वो लड़की बहुत अच्छी विश्वासी थी, वो बराबर यीशु के बारे में और अपने धर्म के बारे में बताने का प्रयास करती थी। हर बार जब वो प्रयास करती थी, हर बार उसको बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था, उसको बहुत पिटाई मिलती थी। और पंडित जी बोलते हैं कि मैंने देखा, जब भी मैं उसको पीटता था, वो क्या करती थी, चुपचाप दूसरे कमरे में जाती थी, घुटना टेक कर प्रार्थना करती थी। एक बार उन्होंने अपने जूते से इस प्रकार मारा कि उसके चेहरे से खून बहने लगा। और पंडित जी सोचने लगे, भाई मैं इसको कितना दुख दे रहा हूं, कितना सता रहा हूं, तब भी ये नारी मुझे प्यार करती है, मुझे छोड़कर नहीं जाती है, मेरी सतावट स्वीकार करती है। अगर वो इतना प्यार करती है तो उसका ईश्वर कितना बड़ा प्रेमी होगा। और पंडित जी दीवाना हो गया वे प्रभु यीशु का। पंडित जी ने यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, बपतिस्मा ग्रहण किया, जिसके कारण उनको कितना अत्याचार झेलना पड़ा, कितना तिरस्कार झेलना पड़ा। जब भी वो अपना साक्ष्य सुनाते थे, पंडित जी रोते हुए सुनाते थे। उनकी पत्नी के द्वारा, आप जानते हैं पेत्रुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 2:19-20 में हम पढ़ते हैं। पेत्रुस कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता है और अन्याय सहता है, क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वो पुण्य काम करता है। यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वो पुण्य काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। एक नारी के सहनशीलता ने,
एक नारी की सहनशीलता ने इतने बड़े और अहंकारी व्यक्ति को यीशु के कदमों पर पटका दिया। सहनशीलता की शक्ति। संत पौलुस कहते हैं कुलोसी अध्याय 3:13, मैंने आपसे कहा आप एक दूसरे को सहन करें, आप एक दूसरे को सहन करें। कुछ दिन पहले मैं फादर मैथ्यू नायकंबरम्बल के साक्षी को सुन रहा था। फादर मैथ्यू नायकंबरम्बल आप जानते हैं पोटा से जो करिश्माई आंदोलन शुरू हुआ उसके पिता हैं। उन्होंने कहा कि 1987 में उनको पोटा आश्रम, वहाँ पे छोटा आश्रम था, उसका नाम है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन उस जगह का नाम है पोटा, उस आश्रम में रखा गया। उन्होंने कहा कि वे लोग प्रार्थना शुरू किए, थोड़ा थोड़ा वचन सुनाना शुरू किए तो बहुत सारे लोग आने लगे। विशेष करके बहुत सी औरतें आती थी जिनके पति शराबी थे और वे आके रो रो कर प्रार्थना करती थी। काफ़ी समय बीत गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो प्रभु ने फादर को बताया, उनको बोलो रोमी अध्याय 8:28 पर विश्वास करें। रोमी अध्याय 8:28 पर विश्वास करें, जहां पर लिखा हुआ है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। और उनको बोलो उस दुख को ग्रहण करें और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अपने शराबी पति के द्वारा दिए गए दुख को ग्रहण करें और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें विश्वास के साथ। स्वीकार करना, धन्यवाद देना और प्रार्थना करना, और ये भी प्रार्थना करना, हे अब्बा पिता, तेरे पुत्र के पवित्र रक्त द्वारा मेरे पति को धो दीजिए और तेरे पवित्र आत्मा से उसे भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र के पवित्र रक्त द्वारा मेरे पति को धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा द्वारा उसे भर दीजिए। तो वे लोग इस तरह प्रार्थना करने लगे, उस दुख को ग्रहण करते हुए, उसको प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते गए। फादर ने कहा दर्जनों 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 शराबी शराब छोड़े। सहनशीलता की बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब हमारी सहनशीलता टूट रही है हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु की ओर देखना चाहिए। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2, अभी अभी आपने 20 तक सुना, उसके वाक्य 22 से हम पढ़ते हैं, 22 और 23, वहाँ भी लिखा हुआ है। पेतरुस कहते हैं उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु ने कोई अपराध नहीं किया था, उनके मुख से कोई कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, कोई गलती नहीं थी उनके अंदर। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, मौन रहे। और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी, उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। जब हमारे जीवन में हमें दुखों का सामना करना पड़ता है और जब हमारे पास सहने की शक्ति कम होती जा रही है तो हमें यीशु की ओर देखना है। यीशु की ओर देखना है, निर्दोष निष्कलंक ईश्वर का बेटा, भलाई करने वाला, किसी की बुराई ना करने वाला। वो सताया गया तो वो मौन रहा, सहनशील होकर उसको सहता रहा और अपने पिता ईश्वर पर भरोसा रखता रहा कि वो न्याय विचार करता है, वो न्याय करेगा। ये हमें करना है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु का मनोभाव धारण कीजिए। आप लोग प्रभु यीशु का मनोभाव धारण कीजिए। प्रभु यीशु का मनोभाव क्या था? सहनशीलता का मनोभाव। प्रभु यीशु का मनोभाव सहनशीलता का मनोभाव था। आप पढ़ेंगे इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में उसके वाक्य 7 में,
इसयास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 7 में इस प्रकार लिखा हुआ है, वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। एक बार और सुन लीजिए, प्रभु येसु के बारे में बताया जा रहा है, वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। ये येसु का मनोभाव है। हम पढ़ेंगे इसयास नबी अध्याय 50, इसयास नबी अध्याय 50 उसके वाक्य 6 में, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु येसु के बारे में उनके आगमन से 600-700 साल पहले लिखा हुआ है, मैंने मारने वाले के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। ये प्रभु का मनोभाव था। हमें इस मनोभाव को धारण करना है। आज हम लोग विशेष रूप से सहनशीलता के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन के दुखों को सहने की शक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन के दुखों में भलाई देखने की शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के कमजोरियों को सहने की शक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दूसरों की दुर्बलताओं को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले दुखों को सहने की शक्ति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू हमसे बात कर रहा था, अपने पवित्र वचनों के द्वारा तू हमसे बात कर रहा था। हम विश्वास करते हैं यीशु, हमें सहन शक्ति के वरदान दीजिए, विशेष करके आज के परिवेश में, आज के दुखपूर्ण परिवेश में, तंगी के परिवेश में, संकट के परिवेश में तुझसे सहनशीलता सीखने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे धैर्य को बढ़ाइए, सहने की शक्ति को बढ़ाइए, तेरे महान बलिदान के द्वारा हमारे अंतरतम को ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए। आज की आराधना में हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त की शक्ति से हमें सामर्थ्य प्रदान करें। अभी तुरंत आराधना होगी। आराधना 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 बनाने वाले प्रेमी पिता की आराधना आकाश बनाने वाले प्रेमी पिता की
के पापों की बलि जो चढ़ा, प्रभु यीशु की आराधना। पापियों की रक्षा किया मेरे यीशु की आराधना। सुख देने वाले की आराधना, पाप मिटा कर सुख जो दिया, सुख देने वाले की आराधना। सत्य की राहों पर चलना सिखाया मेरे ईश्वर की आराधना। पवित्र आत्मा आराधना, पापों को तजने की ताकत जो दी, पवित्र आत्मा की आराधना। हरदम हमें जिसने पालन किया आत्मा प्रभु की आराधना। नाम की आराधना, परम पिता परम पुकारी उन्नत नाम की आराधना। भूमि आकाश बनाने वाले प्रेमी पिता की आराधना, जीवन नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही मेरा भरोसा यीशु, तू ही मेरा भरोसा यीशु।
शांति यीशु। अपने सुखों में प्रभु की आराधना, दुखों में प्रभु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। भूमि आकाश बनाने वाले परम पिता की आराधना गाइए। भूमि आकाश बनाने वाले प्रेमी पिता की आराधना, सबके पापों की बलि जो चढ़ा मेरे यीशु की आराधना। सबों के पापों की बलि जो चढ़ा मेरे
धर्म जिसने मेरा पालन किया, पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना सब लोग आराधना 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 आराधना। मेरे भाई मेरी बहन, भूमि और आकाश को बनाने वाले परम पिता की आराधना कीजिए, वो सृष्टिकर्ता की आराधना कीजिए। बाइबल कहती है उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। उसने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। उसने प्रकाश और अंधकार को अलग किया। उसने कहा और हो गया। आज भी वो प्रभु कहेगा और ऐसा ही होगा। बाइबल कहती है ईसा मसीह एक रूप रहते हैं आज, अब, कल और अनंत काल तक। प्रभु की आराधना कीजिए, आपके दुखों में आपके सुखों में प्रभु की आराधना करें। आप बीमार हैं तब भी आप प्रभु की आराधना करें। आप उठकर बैठ नहीं सकते हैं तब भी आप प्रभु की आराधना करें। आप चल फिर नहीं सकते हैं तब भी आप प्रभु की आराधना करें। आपके दिल में दुख है प्रभु की आराधना करें। वो कहेगा और हो जाएगा। वो आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगा। वो आपको खोजते हुए आपके पास आएगा जब आप उनकी आराधना करेंगे। वो सुख देने वाला है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ है। वो महान परमेश्वर है। वो विश्वमंडल का प्रभु है। भूमि और आकाश को बनाने वाला, तारों और चंद्रमा को बनाने वाला, पेड़ पौधों को बनाने वाला, मनुष्य जाति की सृष्टि करने वाला, सब कुछ बनाने वाला वो प्रभु है। हम उनकी आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना आराधना करें, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार
महिमा पाए एक ही काम ना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना एक साथ मिलकर गाते हैं हमारे बीच विराजमान प्रभु येसु की हम आराधना करें। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी करुणामय प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु येसु ने कहा, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीष का समय है। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। साक्षात यीशु की उपस्थिति इस समय आप अपने कमरे में महसूस कीजिए। किसी भी माध्यम के द्वारा यीशु इस समय आपके करीब हैं, आपके पास हैं। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हम पापियों के बीच में हमारे दर्द पीड़ाओं को मिटाने के लिए, हमारे दर्द पीड़ाओं में हमें सहारा देने के लिए, हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए इस संसार में आए यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। समय प्रभु यीशु हमारे हर प्रकार के बंधन से हमें छुटकारा देने आए हैं। उसने मृत्यु को हराया है, वह मृत्यु पर जीत पाए हैं, महिमा के साथ जी उठे हैं। यीशु सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। अपने हृदय और आत्मा को इस समय प्रभु के सामने खोलिए, अपने मन को प्रभु के सामने खोलिए, अपने हृदय की व्यथा को प्रभु के सामने रखिए। आप अपने दिल में जो जो बातें रखे हैं उन सारी बातों को यीशु के सामने रखिए। प्रभु यीशु हम पापियों और पापियों और दुर्बलों को ढूंढने के लिए आए थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। आइए मेरे भाई मेरी बहन परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की उपस्थिति महसूस करेंगे और अपना हृदय और मन प्रभु के सामने खोलेंगे। विश्वास को बढ़ाना, अविश्वास नहीं रखना, किसी भी प्रकार का संकोच अपने दिल में नहीं रखना। यह अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है, चंगाई का समय है। प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु
मैं सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं सारी मानव जाति के साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं अपने दर्द पीड़ाओं के साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ तेरी आराधना करता हूँ। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इसाइयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 35 में प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो डरो मत, ढारस रखो डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। ढारस रखो डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएंगी, मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। अपना हृदय, अपना मन और अपनी आत्मा आंखें मंद करके समय प्रभु में लीन कराइए। प्रभु को आपके जीवन में इन प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने दीजिए। यीशु को आपके जीवन में समय उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने दीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं, आपके परिवार को प्यार करते हैं। प्रभु ने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे, और सचमुच उसने आपके लिए अपना प्राण अर्पित किया है। संसार में कौन ऐसा है जो आपके लिए इतना कर सकता है? उसने किया है, करके दिखाया है कि मैं तुमको प्यार करता हूं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु के साथ जुड़िए, प्रभु की आराधना कीजिए। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, प्रभु आराधना, मरिया मनंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना बार बार गाते जाएंगे, आराधना आराधना प्रभु आराधना।
अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय एक उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गैब्रियल ने प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ से कहा, आप उसका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है, पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है, और इस पाप को उतारने के लिए, इस पाप के बोझ को उतारने के लिए मनुष्य परेशान है, हैरान है। पाप मनुष्य के अंतःकरण में बैठकर कांटे की तरह चुभते रहता है। बुराई मनुष्य के अंतःकरण के अंदर बैठकर एक कांटे की तरह चुभती रहती है, इसलिए मनुष्य बेचैन है, परेशान है, अशांत है। अपने पाप की गठरी को उतारने के लिए ना जाने मनुष्य क्या क्या नहीं करता, कहां कहां नहीं जाता है, मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में, मज़ारों पर, तीर्थ स्थानों में, नदियों में। मनुष्य पाप के बंधन से, पाप के बोझ से छुटकारा पाना चाहता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 3:24 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर की कृपा से सब लोगों को यीशु मसीह के द्वारा पाप मुक्ति का वरदान मुफ्त में मिला है। एक बहुत बड़ा रहस्य है, ईश्वर की कृपा से सब लोगों को यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त में पाप क्षमा, पाप मुक्ति का वरदान मिला है। यीशु के द्वारा मुफ्त में हर मनुष्य को पाप क्षमा का वरदान मिल रहा है। रोमियों के पत्र के अध्याय 3:25 वहां पे संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ऐसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। आप इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9:22 में सुनेंगे, वहां लिखा हुआ है, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं। वचन में अभी आपने सुना, ईश्वर ने चाहा कि ऐसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें। 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर प्रभु यीशु ने अपना पवित्र रक्त बहाया मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए। सारे मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए निर्दोष निष्कलंक ईश्वर का बेटा यीशु पाप बलि, प्रायश्चित बलि चाहता है, और उस यीशु के द्वारा सबको मुफ्त में पाप क्षमा मिलती आती है, पाप मुक्ति मिल जाती है, मुफ्त में पाप मुक्ति मिल जाती है केवल विश्वास के द्वारा। पौलुस कहते हैं, विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। उसका फल क्या है? यीशु के प्रायश्चित के बलि का फल क्या है? पाप क्षमा। इसको मनुष्य ढूंढ रहा है, पाप क्षमा। अर्थात जब मनुष्य अपने पाप को स्वीकार करते हुए यीशु के पास जाता है और यीशु के उस प्रायश्चित के बलिदान पर विश्वास करता है, उसे उसके पापों के कलंक से, पापों के बोझ से मुक्ति प्राप्त होती है, क्षमा प्राप्त होती है। यौहन के पहले पत्र के अध्याय 2:2 में यौहन कहता है, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया। क्रूस पर यीशु ने जो बलिदान चाहाया है वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान है, न केवल हमारे बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान है।
पहला तिमती अध्याय 2:6 संत पौलुस वहां भी इसी बात को दोहराते हैं, सब के पापों के लिए प्रायश्चित किए हैं, उन्होंने हम सब के पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चाहा है, उन्होंने अपना रक्त हमारे लिए बहाया है। पहला पेत्रुस अध्याय 1:18-19 में पेत्रुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मैं दोहराता हूँ, ध्यान से सुनना, हृदय से सुनना। पेत्रुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। प्रभु यीशु के मूल्यवान रक्त की कीमत पर आप और मेरा उद्धार हुआ है, और इसीलिए यीशु के उस पवित्र रक्त में सामर्थ्य है। कोलोसी अध्याय 1:20 पौलुस कहते हैं, यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा उन्होंने शांति की स्थापना की है। उस पवित्र रक्त में शांति है। यौहन का पहला पत्र अध्याय 1:7 में संत यौहन लिखते हैं कि ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, इसलिए हमें उस पवित्र बलिदान पर विश्वास करना है। इसलिए हमें उस पवित्र रक्त की कीमत पर विश्वास करना है। संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्र के अध्याय 6 में बताते हैं कि पवित्र रक्त की कीमत से हमें खरीदा गया है, हम खरीदे गए हैं। यीशु के पवित्र रक्त में शक्ति है। यीशु के पवित्र रक्त को लेकर प्रार्थना करना। आज हम विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं, विशेष करके हमारे परिवारों के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु के उस बहुमूल्य रक्त के द्वारा, उस महान बलिदान के द्वारा, उस महान प्रायश्चित के बलिदान के द्वारा हमें बंधनों से आज़ादी मिले और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आँखें बंद कर दीजिए इस समय, और इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं अब्बा पिता से, कि अब्बा पिता अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के, पावन लहू के द्वारा हमें शुद्ध करें और हमें धो दें और अपने पवित्र आत्मा हमें प्रदान करें। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से मुझे धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से मुझे धो दीजिए और अपना पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से मुझे धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से मुझे धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से मुझे धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से मुझे धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से मुझे धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। अब्बा पिता,
तेरे पुत्र यीशु के पवित्र पावन लहू से मुझे धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से मुझे धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी समय अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को या दो व्यक्तियों को याद करें जिनके अंदर कई प्रकार की बुरी आदतें हो सकती हैं, गलत रिश्ता हो, नशे की आदत हो, अन्य प्रकार की आदत हो, जिसके कारण वे बहुत ज़्यादा शैतान के द्वारा प्रताड़ित हैं। अब हम उन्हें बोलेंगे क्योंकि हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए, अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से उन्हें धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से उन्हें धो दीजिए और तेरे पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से उन्हें धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से उन्हें धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से उन्हें धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से उन्हें धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से उन्हें धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से उन्हें धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से उन्हें धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पावन लहू से उन्हें धो दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए अपने परिवार पर, अपने यहाँ पर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए और पवित्र रक्त के संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के पवित्र रक्त को तेरी जनता के ऊपर इस समय उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त को तेरी जनता के ऊपर इस समय उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त को तेरी जनता के ऊपर इस समय उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त को तेरी जनता के ऊपर इस समय उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त को तेरी जनता के ऊपर उंडेल दीजिए। शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना कीजिए भाई और बहनों, इस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए पवित्र आत्मा ऊपर उतरे। पवित्र आत्मा इस समय यीशु के नाम पर आपको स्पर्श करें, आपके शरीर के अंदर प्रवेश करें। यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करें, हर प्रकार के रोग को मिटाएं, शरीर के उन जगहों को स्पर्श करें जहाँ पीड़ा है, दर्द है, रोग है। यीशु के पवित्र नाम पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चंगाई मिले। आपके शरीर के उन सारे जगहों को जहाँ आपको रोग है, पीड़ा है, दर्द है, बंधन है, यीशु के परम पावन नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चंगाई मिले। यीशु के नाम पर इस समय चंगाइयाँ हो रही हैं,
यीशु के नाम पर इस समय चमत्कार हो रहे हैं। यीशु के नाम पर इस समय विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी मिल रही है, पाप क्षमा मिल रही है, बंधनों से आज़ादी मिल रही है। जब आपको पाप क्षमा मिलती है उस समय बंधनों से आज़ादी मिलती है। जब आपको पाप के कलंक से छुटकारा मिलता है आपके शरीर को चंगाई मिलती है। यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इसी वक्त हर प्रकार के रोग से पुराने रोग से गंभीर रोग से इन वचनों को सुनने वाले इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को पूर्ण छुटकारा मिले, पूर्ण चंगाई मिले, पूर्ण छुटकारा मिले, पूर्ण चंगाई मिले, बंधनों से आजादी, रोगों से छुटकारा, पूर्ण चंगाई, पूर्ण चंगाई, पूर्ण चंगाई। स्तुति कर दीजिए, स्तुति कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर हर प्रकार के बंधन से, हर तरह के रोग से, हर तरह की पीड़ा से, हर तरह के दर्द से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा, छुटकारा, चंगाई, चंगाई, छुटकारा, छुटकारा, चंगाई, 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 चंगाई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दीजिए समय, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, यीशु को धन्यवाद दीजिए इस समय आपके जीवन में कार्य करने के लिए, आपके परिवार में आने के लिए, आपके परिवार को शुद्ध करने के लिए, आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए, आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। अपने अपने दिल में प्रार्थना करते जाना, धन्यवाद देते जाना, बोलना यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। मैं योग्य नहीं था लेकिन तू मेरे जीवन में आया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद देते जाइए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, धन्यवाद देते जाइए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद यीशु, तेरे बच्चों को छूने के लिए धन्यवाद यीशु, तेरे प्रेम का एहसास देने के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसी तरह हर रविवार को दोपहर को 12 बजे से 2:45 तक ये सत्संग चलेगा। अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताइएगा, उनको भी इसमें भाग लेने की कृपा मिले। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, हर रोज़ हमारे यहाँ से रोज़ की रोटी नाम का छोटा सा कार्यक्रम चलता है, सुबह 5 बजे, बहुत अच्छा है, हज़ारों लोगों को इसके द्वारा कृपा मिल रही है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आपको सूचना दे रहा हूँ। साथ ही साथ हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए छोटा सा कार्यक्रम है, हमारे भाई राम, हमारे भाई संदीप इसमें वचन सुनाते हैं, आप इसमें सहभागी होंगे और प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे। इस समय जब आशीष होगी, परम प्रसाद की आशीष होगी, जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस तेल को और इस जल को शुद्ध करना, पवित्र करना और अपने सामर्थ्य से भर देना। आइए हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर।